सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग वर्ग नवम का भूगोल के विषय का पांचवा अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के जो है इस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे और उसके बाद अगले अध्याय के ऊपर प्रस्थान करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने आप लोग को इस अध्याय से संबंधित सारे बातों को बताया है और मुख्य बिंदु को जो है लिखवाया गया है और जो है जो भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं उसको जो है बनाने के लिए आपको हमने जो है प्रश्नोत्तर कराया है और कुछ जो है होमवर्क के रूप में भी मौखिक रूप से आपको बताने का प्रयास किया है। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में मानचित्र कार्य, तो मानचित्र कार्य का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर मानचित्र पर आपको जो है जो भी चीज उसमें दिए जाते हैं उनको आपको दर्शाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपको जो है सबसे पहले घर पर मानचित्र बनाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए भारत का मानचित्र बनाना है, तो अगर चाहिएगा कि सेम जैसे भारत का मानचित्र ओरिजिनल मानचित्र जैसा है वैसा ही मानचित्र हमसे बने कॉपी पर या बोर्ड पे या संभव नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रफ मानचित्र बनाते हैं। जैसे कि अभी हम जो है रफ मानचित्र आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे हम पहले भी बना देते हैं, फिर भी के बाद जो है ऐसे मानते हैं कि ये जो है ऐसे मान लीजिए हम लोग बना देते हैं, तो ये भारत के रफ मानचित्र मतलब कि यह जो है भारत के नक्शा से मिलता जुलता मानचित्र है। राजा की भारत का मानचित्र सेम टू सेम ऐसा है ऐसा नहीं, लेकिन यह रफ मानचित्र है। हम आसानी से इसमें किसी भी कार्य को या किसी भी चीज को हम दर्शा सकते हैं। जैसे दर्शा सकते हैं कि यह भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये भारत का दक्षिणी क्षेत्र है, ये भारत का पूर्वी क्षेत्र है, ये भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें जो है जो भी राज्य है उनको भी दर्शा सकते हैं, किसी क्षेत्र विशेष को भी दर्शा सकते हैं उसके दिशा के आधार पर और उसके स्थान के आधार पर, ठीक ना। तो इसमें से कह रहा है कि भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाया तो ज्वारिया मार्ग पर, सुंदरवन, सागवान। तो मान लीजिए जो है सुंदरवन जो है भारत झारखंड और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पाया जाता है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि एक नंबर पर है ज्वारिया वन, तो ज्वारिया वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको भी जो है सागवान का पेड़, सागवान का मतलब कि हो गया ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, तो इसको कैसे मान लीजिए। तो ये जैसे कि सुंदरवन झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर है, तो मान लीजिए इसको दे देते हैं यहाँ पे, इसको दे देते हैं यहाँ पे ज्वारिया वन, यहाँ पे लिख देंगे एक नंबर में सुंदरवन, दो नंबर में लिखेंगे सागवान, सागवान क्षेत्र। तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। एक नंबर पे यहाँ पे दर्शाया इंडिकेट कर दिए, दूसरा नंबर पे यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, एक नंबर सुंदरवन में दे दिए और दो नंबर सागवान क्षेत्र दे दिए। यदि मान लीजिए आपसे पूछता है कि बिहार कहाँ है, तो मान लीजिए बिहार को जो है यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए बिहार हो गया, यहाँ पे भी बिहार हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, तो ये क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर का है ना, तो यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, यहाँ पे दो नंबर दे देंगे, ठीक ना। कहता है कि आप जो है धरती को दर्शाइए, गुजरात को दर्शाइए, गुजरात का क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे जो है तीन नंबर दे देते हैं, ठीक ना। तो ये क्षेत्र तो तीन नंबर हो गया, तो तीन नंबर दे देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एक नंबर बिहार, दो नंबर
काश्मीर, तीन नंबर गुजरात। तो ऐसे करके एक नंबर बिहार, दो नंबर में जम्मू कश्मीर, तीन नंबर में गुजरात। तो ऐसे करके हम दर्शा सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों से जो है सबसे पहले घर में एक मानचित्र होना चाहिए, एक अगर संभव हो तो ग्लोब भी रखिए, ठीक ना। ग्लोब की जानकारी जो है आप लोग को चाहिए ही चाहिए। तो ग्लोब और भारत का नक्शा और एक बिहार का भी क्षेत्रीय नक्शा होना चाहिए। तो बच्चों जबकि आप लोग जो है रॉ फिगर बनाना सीख गए, तो घर पे ये रॉ फिगर भी आपसे एक बार में नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग जो है आप लोग एक रॉफ कॉपी लें या बोर्ड हो तो बोर्ड ले लें और उस पर जो है रॉफ मानचित्र भारत का बनाने का निश्चित रूप से प्रयास करें, ठीक है ना। जैसे आप लोग लिखिए चलिए बच्चों आज जो है अब अगले हम लोग अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय है जो कि छठा अध्याय जनसंख्या, जनसंख्या का आकार। तो बच्चों जनसंख्या जो होती है वो किसी भी देश का एक अमूल धरोहर होती है। जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या का मतलब होता है मानवों की जो जनसंख्या होती है, स्त्री और पुरुष की जो जनसंख्या है उसके आधार पर वहाँ का जो है हम लोग उसके जो है धरोहर का हम लोग जो है आकलन करते हैं। बच्चों ये किसी देश की जनसंख्या मानव संसाधन कहलाती है। ये मानव की जनसंख्या जो है मानव संसाधन कहलाती है। देखिए कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जिस देश में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पर मानव संसाधन अधिक होते हैं। अर्थात मानव जो है पढ़ लेकर कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं और कुछ उद्योग की ओर करते हैं, कल कारखाने का स्थापना करते हैं। जैसे जैसे जो है मानव की जनसंख्या जिस देश में बढ़ते जाती है उस देश में उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पे मांग जो है मांग बढ़ती है इसलिए उत्पादनों की जो है क्षमता अधिक होती जाती है। तो बच्चों ये विद्वानों का अपना अर्थशास्त्र का जो विद्वान है उनका जो है अपना मत है। तो बच्चों देखिए आपको हम बता देते हैं, कह रहा है किसी देश की जनसंख्या मानव संसाधन कहलाती है, ठीक ना। आया कर भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, जबकि यहाँ विश्व के 16% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की जो है जनसंख्या 16% भारत में केवल निवास करती है, ठीक ना। तो भारत में चूंकि बहुत बड़ी आबादी है, ठीक ना, ऐसे भी इसको आगे तरफ आपको बताते हैं, जबकि यहाँ विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि चीन के बाद दूसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है। भारत में पहली बार जनगणना 1871 में लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। जनगणना का आकलन सन 1881 से रिपन के समय से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। बच्चों देखिए पहले यहाँ से आपको हम समझा देते हैं। देखिए जनसंख्या जो होती है वह जैसे जनसंख्या भारत में जो है जितनी भी जनसंख्या विश्व की है उसके 16% जनसंख्या केवल भारत में ही निवास करती है। इस तरह से 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है, और चीन में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो है चीन जो है पहला नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में है और भारत दूसरे नंबर पर है। अब जो है चूँकि जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, तो जनगणना सर्वप्रथम जो हुई थी वह 1871 में लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल के समय पर हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है 1871 में लॉर्ड रिपन के समय से अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। ये उस समय से जो प्रथा चली आ रही है, एक जनगणना का जो है हम लोग मानव की जो संख्या गिनती होती है उसकी जो है प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अभी जो है अब जनगणना जो होगी उसके अनुसार अब जो है पूरे विश्व का फिर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि किस देश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसको जो है प्रथम और द्वितीय के स्थान पर, तृतीय के स्थान पर रखा जाएगा। बच्चों ये जो जनगणना होती है वह भारत सरकार के जनसांख्यिकी विभाग मंत्रालय के द्वारा आधारित जो है विभाग के द्वारा कराई जाती है।
और इसमें प्रत्येक राज्यों की जो है सहभागिता होती है और प्रत्येक राज्य जो है इसमें अपने सहभागिता के अनुसार जो है इसको अंजाम देते हैं, इस कार्य को संपादित करते हैं। बच्चों इस चूँकि इस अध्याय में बहुत सा अभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, बहुत सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग जानकारी प्राप्त करनी है, तो बच्चों आज जो है आप लोग इस चैप्टर को निश्चित रूप से घर पर पढ़ें और पढ़ने के बाद आप लोग जो है उसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम अगले वीडियो में जब आपको कभी इसको बताते हैं तो आपको समझ में आवे और जो है किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।